एक्सरसाइज क्या है 6.3 क्वेश्चन 4 का है ना, क्वेश्चन 4 क्या कहता है? इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर ये ना, और एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2। टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है ट्राइंगल, हिंदी में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि है ना ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है क्या कह रहा है, पी क्यू एस जो सिमिलर है ट्राइंगल है ना टी क्यू आर। देखो डायग्राम ऐसे बनी हुई है हमारी, हाँ जी पी क्यू एस, तो ये पी है, ये क्यू है और ये एस है और टी क्यू आर, टी कहाँ है हमारा टी क्यू आर, पी क्यू एस सिमिलर किसके है टी क्यू आर, ये एंगल 1 है और ये एंगल यहाँ पर, ये लाइन मिल रही दिखाई दे रही है, इसको ख़राब नहीं करते पहले, ये तो ऐसा कुछ है, इन्होंने क्या किया इसको, इसकी थोड़ी रफली बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने जो बनाई है वो यू बनाई है, पी क्यू एस और टी क्यू आर, यही तो है पी क्यू एस और टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक है। आप सुनो मेरी बात, पी क्यू एस और टी क्यू आर, अब देखो क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ मिल गया, हाँ जी ये डायग्राम बनी हुई है, तो हमें सिमिलर करना है, यानी ये ट्राइंगल कौन सी वाली, ये वाली ट्राइंगल इसका नाम है पी क्यू एस और दूसरी ट्राइंगल क्या है, हाँ टी क्यू आर, ये सुनो समरूप दिखाना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसमें बोला है एंगल 1 बराबर एंगल 2, यस और नो, सिमिलर दिखाने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसमें ये भी बोला है कि एंगल 1 यहाँ जो एंगल है दिखाई दे रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू इस वाला एंगल बराबर, यानी आपके किस पर बना है एंगल, एंगल 2 इधर है और एंगल 1 इधर, यस और नो, यानी कहने का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, हमें पता है कि आपका जब एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसका मतलब वो क्या हुआ, पी क्यू बराबर, बोलो ना पी क्यू बराबर टी आर, क्या लिखोगे, एंगल साइड अपोजिट इक्वल एंगल सारी को लिखो, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है बेटा है ना, यानी समान कोणों के सम्मुख भुजा समान होती है, मिल गया, समान कोणों के सम्मुख, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो यानी कहने का मतलब पी क्यू बराबर जो एंगल यहाँ है वही एंगल, हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि अगर ये वाला एंगल इस और ये वाला एंगल आपस में क्या है बराबर है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, यहाँ वाला एंगल इसके बराबर है इस वाले एंगल के, तो कहने का मतलब बताओ ना, जब एंगल बराबर है तो उनकी साइड भी क्या होनी चाहिए, अब ये कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से नहीं दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, दिखाई दे रहा है, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर, दिखाई दे रहा है, ये एंगल 1 था और ये एंगल 2 था, तो पी क्यू बराबर क्या है, अच्छा मैंने टी क्या लिख दिया यहाँ पर, अच्छा पी है यहाँ पर, सॉरी, अच्छा ये तो सही बना था, यहाँ पर देखो यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, पी आर, मैंने क्या लिख दिया, पी आर लिखो यहाँ पर, ठीक है, तो पी क्यू बराबर पी आर हो गया ना, तो कहने का मतलब अब हमें इसका सिमिलर प्रूफ करना है, तो जब से पहले इसने एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पर क्या दिया है, क्यू आर, क्या दिया है, क्यू आर
अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्या है, क्यू टी अपॉन पी आर। देखो पी आर बराबर किसके है, पी क्यू के, तो पी क्यू लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको पता होना चाहिए, किसी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए मैं किस चीज़ की जरूरत पड़ती है बताओ जल्दी से, आधा, देखो समझे मेरी बात, क्यू आर अपॉन क्यू टी अपॉन पी क्यू चाहिए ना, क्यू आर अपॉन क्यू टी अपॉन पी क्यू, अगर हम ये लगा दें तो नहीं जाएगा, और इसका मतलब साइडों का प्रोपोर्शन भी हो गया। अब बचा किसका, दोनों में एंगल कौन सा, देखो गौर से देखो, चाहे हम क्या बोलें, देखो ना, अगर हम बोलें पी क्यू एस बोलें या टी क्यू आर बोलें, दोनों में कॉमन एंगल क्या है, क्यू, नहीं समझे, दोनों में कॉमन, इस एंगल का नाम वन दिया है यहाँ पर, चाहे आप पी क्यू एस बोलो या टी क्यू आर बोलो, दोनों में कॉमन एंगल क्या है, वन ही तो है, यानी क्यू ही तो है, तो यानी एंगल वन बराबर एंगल वन, तो क्या लिखोगे बाई, क्या लिखोगे एस ए एस, क्या लिखोगे बाई एस ए एस क्रिटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, मिल गया, क्या लिखोगे एस ए एस समरूप सिद्धांत के द्वारा, मिल गया क्या हुआ ट्राइंगल, हाँ जी क्या हुआ बोलो ना, पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर, ये तो प्रूफ करना था, पी क्यू एस किसके सिमिलर हो गया, पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल टी क्यू आर के, किस मेथड के जरिए हुआ ये बताओ ना, हाँ ऐसे है, दो साइड और एक एंगल है ना। अच्छा इस क्वेश्चन ने पूछा क्या था कि आप पी क्यू एस को टी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ करो, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया बोलो ना, हाँ सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हाँ जो चीज़ दी हुई थी उसी का रेशियो हमने इसमें पुट कर दिया ना, हाँ जी इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ था, ये सुनो हमें सिर्फ और सिर्फ पी आर को रिप्लेस करना था, रिप्लेस करते ही मैं साइड का प्रोपोर्शन मिल गया, और जब रिप्लेस कर दिया तो मैं एंगल जो थे एंगल से हमें उसकी एक साइड मिल गई, ये सुनो जब एंगल इक्वल हो तो साइड इक्वल हो गई, ये सुनो, तो जब ये हो गया आपका इस आधार पे हम कह सकते हैं दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ये सुनो, और सिमिलर कैसे हुआ, सिमिलर होने के लिए प्रॉपर्टीज है, या सुनो दो साइड का प्रोपोर्शन एक एंगल, या दोनों एंगल हो जाएँ या तीनों साइड के प्रोपोर्शन हो जाएँ, ये सुनो, तो कहने का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने जो लिखा नहीं था, मैं चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले जब ये प्रूव करते तो क्या लिखते थे बोलो ना, इन ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल है ना पी क्यू एस, पी क्यू एस एंड दीदी बोला उधर, हाँ पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, ये सुनो हिंदी मेरे को त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर के अनुसार, ये सुनो, हाँ पी क्यू एस और टी क्यू आर के अनुसार, तो इसका मतलब क्या हुआ क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू, और दोनों एंगल बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं भाई ऐसे एस क्रिटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऐसे एस समरूप सिद्धांत के द्वारा ट्राइंगल हमारे क्या हो गए आपस में सिमिलर हो गए, कैसी रही अब बताओ, नहीं आई बस ये हो आ गया नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना था इसमें हटाकर पी आर हटाकर पी क्यू लगा देना था, क्योंकि बेस बेस दिस दिस का प्रोपोर्शन एंड दिस दिस का प्रोपोर्शन, और जब दोनों प्रोपोर्शन क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, गिवन में ही हमने पी आर हटाकर क्या लगा दी बस पी क्यू लगा दिया, और एंगल हमें ऑलरेडी मेंशन था, ये सुनो आ गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है बेटा, हाँ एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, दिखाई दे रहा है, अच्छा इसमें डायग्राम नहीं थी, उसने कहा एक एस है और एक टी है, जो किस कौन सी साइड पर पॉइंट्स हैं बोलो, पी आर और क्यू आर, यानी एस जो है वो पी आर पर है और टी कौन है क्यू आर पर, मतलब अगर एक ट्राइंगल बना दें क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल अगर हम बना देते क्या बनाते हैं पी क्यू आर, क्या बनाते हैं पी क्यू और आर, और इस पर पॉइंट क्या है पी आर पर जो पॉइंट उसका नाम है एस है, और क्यू आर पर जो पॉइंट उसका नाम टी है, सुनो पी आर पर जो पॉइंट उसका नाम क्या है एस, और क्यू आर पर जो पॉइंट उसका नाम है टी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था एस और टी जो पॉइंट है किस पर है पी आर पर और क्यू आर पर, यहाँ तक समझ आ रही है, हाँ ये पर्दा बंद कर दो, हाँ एस पॉइंट किस पर है पी आर पर और टी पॉइंट जो है वो क्यू आर पर, सुनो ये सुनो,
तो अब क्या कहता है यहाँ पर, और उसने बोला एंगल पी, एंगल पी इज इक्वल टू क्या है, एंगल आर टी एस, ये गिवन है ठीक है। टू शो यानी टू प्रूव, क्या करना है हमें, टू प्रूव यानी सिद्ध करना है, क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि, क्या करना है, हाँ ट्राइंगल आर पी क्यू, ट्राइंगल आर पी क्यू क्या हुआ, सिमिलर हुआ ट्राइंगल आर टी एस, ये सुनो, ट्राइंगल आर पी क्यू जो आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल आर टी एस के, ये प्रूव करना है, नहीं क्या करना है, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस। अब देखो आर पी क्यू कहाँ है हमारा, और आर टी एस ये, यानी कहने का मतलब इतना ट्राइंगल जिसका नाम है आर टी और एस, किसके होने चाहिए, आर पी और क्यू, ये सुनो अगर गौर से देखो, पी एंगल ये है किसके बराबर है, टी एस, आर टी एस, पी कहाँ है यहाँ पर, यानी ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर है, यानी ये वाला एंगल के बराबर नहीं है। अगर हम पी एंगल की बात करते हैं, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल आर टी एस के, ये सुनो, तो आपका एंगल क्या है, पी, यानी आर पी क्यू, यानी पी कह दो और आर टी एस टी के बराबर, यानी ये जो एंगल है वो इसके बराबर है। अगर इसका नाम वन दे दूँ और इसका नाम टू दे दूँ वो ठीक है, तो ऐसा नहीं जाएगा, तो हो गया आर पी क्यू बराबर एंगल, और ट्राइंगल आर पी क्यू को ट्राइंगल आर टी एस के सिमिलर प्रूव करना है। अच्छा इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, देखो एक तो हाँ एक काम करो अपनी मम्मी को बुला करो, सब बुला रहे कहना जानो, ओके ना फीस लेके आना, हाँ एक तो मैं आर टी एस है और एक आर पी क्यू है, पी बराबर आपको पता नहीं यहाँ पी पे एंगल जो है वो टी पर है, या सुनो तो दो एंगल हो गए, और साथ ही साथ क्या होगा इसमें देखो, और दोनों में जो कॉमन एंगल है वो क्या है, आर है। और पता है किसी त्रिभुज के यानी किसी समरूप त्रिभुज के सिमिलर ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो क्या ले सकते हैं हम, इन ट्राइंगल्स द्वारा लिखो जो प्रूव करना है, आर बोलो ना, आर पी क्यू एंड आर टी एस, हिंदी में क्या लिखते हैं, त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस के अकॉर्डिंग। तो आर बराबर क्या था, आर क्या है एंगल, आर के बराबर ये क्या है बेटा, पूरे हिंदी में कॉमन हिंदी में उभयनिष्ठ, अभी तेरा सर्वांगसम कराऊं मैं, ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। और दूसरा क्या है इसमें, हाँ एंगल पी क्या है, एंगल टी के बराबर, तो एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, ये दो चीज़ हो गई। तो लिखो क्या लिखा, दो एंगल है ना बराबर, यानी ये क्या है एंगल आपका, ये है आपको गिवन, यस और नो, जब ना समझ में आया तो लिख दिया करो, दिया है यस और नो। तो कहने का मतलब पी बराबर एंगल टी और आर आर आपका कॉमन हो गया, यस और नो, हाँ। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, बाई बोलो ना, बाई ए क्रिटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, हिंदी में ए समरूप सिद्धांत के द्वारा क्या हुआ, जो चीज़ प्रूव करे इसको दोबारा लिख दो, क्या हुआ, ट्राइंगल आर पी क्यू क्या है, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस, ये सुनो हेंस प्रूफ, समय आ गई, दो एंगल बराबर थे ना, हेंस प्रूफ, अतः शिफ्ट हुआ सिद्ध हुआ, चलो लिखो साबाश, अतः सिद्ध हुआ, हिंदी में लिखना चाहो लिख दो, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, हेंस प्रूफ, हाँ ठीक लिया। छठे क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन सिक्स लिखो, हो गया ना क्लियर वाला, यानी इसमें दो एंगल थे, दोनों एंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिए, समरूप दिखा दिए, सुनो आप छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन कहता है बेटा इन फिगर 6.37, फिगर क्या है 6.37, तो ये इस तरह से एक फिगर बनी हुई है, दिखाई दे रही है आपको, ठीक आइए सर आना चाहो, ये क्या है ए
ये है बी और ये है बेटा सी, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं हम डी और ई, ये सुनो ए बी सी और डी ई। फिर क्या कहता है देखो, ट्राइंगल वो कह रहा है ट्राइंगल जो है वो ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। फिर टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यानी सिद्ध करना है, हिंदी में लिखो सिद्ध करना है कि, हाँ जी सिद्ध करना है कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी, यस और नो? ट्राइंगल ए डी जो किसके सिमिलर प्रूव करना है हमें, ए डी ई ए बी सी। देखो बेटा ये वाला ए डी ही है ना, ए डी ई, और ये जो पूरा वाला दिखाई दे रहा है ना ए बी सी है, यानी कहने का मतलब इस वाले को नहीं, ये जो है हाँ हाँ ये वाला जो छोटा पार्ट है, ये वाला जो छोटा पार्ट है ना बेटा, इसको इस वाले के क्या करना है ना सिमिलर प्रूफ। समझ आ गया क्वेश्चन? तो देखो ट्राइंगल ए डी ई क्या है, ट्राइंगल ए बी सी के हेलो सिमिलर प्रूफ करना है, ये सुनो। अब क्या है हमारा ए बी ई, देखो बेटा ए बी ई ये वाला ट्राइंगल है ना, ए बी ई ये वाला, हाँ जी ये ए बी ई है, और ये वाला इधर वाला क्या है ए सी डी। देखो ए सी डी ऐसा होगा, ये ए बी ही है और ये ए सी डी, ये सुनो ये हमें कॉन्ग्रेट दिया है, इसको निकाल लेते हैं अलग से, निकाल दूँ देखो निकल गया, दिख रहा है ए बी, ये ऐसा ए बी है ए बी और ई, ये सुनो, और दूसरा क्या है बोलो ना ए सी डी, तो है ए बी और ए सी डी, क्लियर। देखो हमें पता है कि जब कोई कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसकी साइड्स क्या होती है सारी, अभी इक्वल साइड लाइन से फायदा क्या होगा हमें यहाँ पर, चलो देखो ए डी ई और ए बी सी, ये समझो। अब क्या है ए बी, ये है बेटा ए बी, इतना था हमने, इतना रहना है बस, ठीक है उसने बोला ए बी ई और दूसरा क्या है ए सी डी, ये तो है ए सी और डी। अब देखो दोनों में, अरे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, इसमें बोल दिया क्या है कॉन्ग्रेंट का मतलब दिस वन इज इक्वल टू, खुद से बनाना पड़ेगा ये वाला, इतने में काम हो जाएगा, पूछो ये सुनो दिखाई दे रहा है क्यों जाएगा बताओ, दोनों में कॉमन क्या मिल गया हमें, ये निकला कहाँ से गौर से देखो, देखा कुछ कहाँ से निकला है, उसी तो निकला जो ट्राइंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये तो बनी डायग्राम, क्या बनी है ए बी सी और ए डी अंदर है, हमें इस वाले को यानी इसको इसको सिमिलर प्रूव करना है, उसके लिए उसने बोला कि आपके क्वेश्चन में ए बी, तो खुद से बना लो खींच कर, उसी को खुद से आप ड्रॉ कर सकते हो, डोंट वरी, आपको वैसे दिया भी है ए बी ई और ए सी डी है ना, हाँ जी। तो क्या हुआ, तो लिखो इन ट्राइंगल्स ए बी ई एंड, अच्छा तो प्रूव है क्यों लिखना क्यों है, लिखो हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी ई क्या है, ये प्रूव है, हम प्रूव नहीं कर रहे ए सी डी के, ऐसा नो, और जब प्रूव होता है तो क्या हुआ बेटा बोलो ना, ए बी बराबर बोलो ए सी, ए ई बराबर, ए ई बराबर बोलो तो ए ई बराबर इतना इतने 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 के बराबर, ये सुनो, और दोनों में कॉमन एंगल क्या है, इसको लिखो ही मत, ये तो इतना ही से काम हो जाएगा हमारा, ये सुनो ये आपको हो गया, ये चीज़ें क्या है आपको जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेट, तो ये बात है क्या गिवन है, कुछ चीज़ बनानी पड़ती, इसलिए इस आधार में कह सकते हैं लिखो ट्राइंगल प्रूव करना है। अब लिखो इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ए डी ई एंड ए बी सी, लिख लिया त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी के अनुसार, ये सुनो ए डी ई और ए बी सी, लिख लिया ए डी ई और ए बी सी के अनुसार, अब हमें दिया गया है इसमें बोलो ना ए बी इजिकल टू ए बी ए सी, ये तो दिया है, और इसके नीचे क्या है ये भी बराबर, तो नीचे डाल दो क्या दिक्कत है, बराबर नहीं बल्कि क्या है इसके साइड का प्रोपोर्शन है, ये बात क्या है गिवन है ना, मान लो अगर ये चार है तो ये भी चार हुआ, ये दो है तो ये भी, और चार को अगर दो से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, चार बाई दो, चार बाई दो,
जब दो जब बराबर को बराबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, बराबर मतलब 8 बराबर 8 और 4 बराबर 4, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2। क्लियर? हाँ बेटा, तो तुम कैसे एस्ट्रोनॉट बने बैठे यहाँ पर, बेहोश हो गए? तो फिर लग रहा जैसे तुम क्या बोलते हैं, जैसे बॉर्डर पे आए हो, गोली होने चल रही अंदर, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आए हो। हैं ये भाई के कहाँ, ये कैसे बनी पट्टी, कैसे लगी इधर गिरे तो? सर पीछे चोट लगी है ना, पीछे लगी चोट। अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे से हमला हुआ है, है ना? हाँ, पीठ पीछे आ रहा है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए डी एस ना गिवेन है। अच्छा गिवेन है, हमने निकाला नहीं है, ये कांग्रेस ने ये वर्ड बोलकर गलती कर दी, हमें सब पता लग गया है ना। अब दोनों में कॉमन एंगल क्या है, तो इस अगर इसको भी देखो, ए बी ई को या ए सी डी को, आ क्या रहा है दोनों में, तो ए ए बराबर ए ए लिखो, एंगल ए बराबर एंगल ए। ये क्या है आपको बोलो ना, ये क्या है गिवेन है ए बी, या कॉमन लिख दो, कॉमन सही लगेगा, कॉमन ठीक है हिंदी में। हाँ जी सर्वांग सं तेरा है ना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो जब ये हो गया तो क्या हो बच्चे बोलो, बाई क्या लिखोगे, बाई हाँ ए ए क्रिटेरियन ऑफ लिखो, बाई ए ए ए एस ए सॉरी एस ए एस एस ए एस क्रिटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंट, ये तो हुआ हिंदी में एस ए एस सिमिलैरिटी, क्रिटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी यानी एस ए एस समरूप सिद्धांत के द्वारा क्या हुआ, ट्राइंगल क्या हुआ बोलो ना, ए डी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी, कैसी रही ये हो गया, हैंस प्रूव्ड अतएव सिद्ध हुआ, ये सुनो कैसी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर है ना? तो हमने दो ट्रायंगल बोले, इसने कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल से साइड ले ली, साइड को प्रोपोर्शन कर दिया, प्रोपोर्शन सब किया, तो हमें जो ट्रायंगल दिया हुआ था वो ऑलरेडी कॉमन था, उसका एंगल कॉमन था, उसमें से एंगल निकाल के मैं पुट कर दिया, इस प्रकार से हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, नहीं सिमिलर हो गया, समरूप हो गया। किसको नहीं आ रही, जब साइड बराबर क्यों की, क्योंकि कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है, तुम निकालोगे कैसे सिमिलर है, या तो मैं साइड की प्रोपोर्शन गिवन होते कुछ बोल देता कि भाई एंगल इसका बराबर, तो हम साइड निकाल लेते हैं सनो। इसने तो यहाँ कुछ भी नहीं बोला तुमसे, क्या बोला, बस ये बोला कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट से हमने क्या करा, साइडें निकाली खुद से, ये दी नहीं है, कॉन्ग्रेंट बोलकर हमने निकाल ली, हाँ ये दी नहीं है, मैं कॉन्ग्रेंट बोल के क्या की बोलो ना, हाँ निकाल ली ना। और जब जब ये पता है बराबर हैं, तो सिमिलर करने के लिए क्या करना होता है, साइड का प्रोपोर्शन, क्या हम इसे इक्वल रख के कर सकते हैं, नहीं, इक्वल तो कॉन्ग्रेंट में होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुज में साइड बराबर होती हैं, समरूप त्रिभुज में क्या होती हैं, भुजाओं का अनुपात, याद है, तो हमें अनुपात ही तो रखना पड़ेगा, यानी उन्हीं को दोबारा डिवाइड कर दो, ए बी अपॉन ए और ए सी अपॉन ए डी, और एक एंगल आई आई, हाँ बेटा जल्दी आ जाए।